पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पप्पू यादव के बेहद करीबी मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है, हम उनसे बात करते हैं। मनीष जी, तेजस्वी यादव का एक वीडियो पूर्णिया से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप हमारे उम्मीदवार बीमा भारती को अगर नहीं चुनते हैं तो कोई बात नहीं, आप NDA को वोट दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को नहीं दीजिएगा। आखिरकार इतनी दुश्मनी किस लिए हो गई? देखिए, एक बात समझिए कि इस बात पे तो मैं पहले कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, चूंकि हमारी लड़ाई RJD से नहीं है। और तेजस्वी जी जो कल तक कह रहे थे कि पप्पू यादव RSS और भाजपा के एजेंट हैं और हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, ये लाखों की भीड़ में जब भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं तो ये जनता देख रही है और सुन रही है कि भाजपा का एजेंट तेजस्वी यादव, स्पष्ट हमारा कहना है। और उनके कह देने से कि बीमा और BJP को वोट दे दे, जो कोर वोटर है यादव और मुसलमान, ना तो उनकी ठेकेदारी इन्होंने ले रखी है और ना उनके हम गुलाम हैं। मैं भी यादव समाज से आता हूँ, तो हम लोग इनके गुलाम नहीं है। जो काम करेगा, जो सेवा करेगा, जो मेहनत करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे, अन्यथा जिनको जो बोलना है बोलते रहे, हमें उनसे किसी नहीं है। वो उन्हें ED CBI से डर चुके हैं, उन्हें अपने परिवार का मोह है, तो अपने वो भाषण में कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के यहाँ से उन्हें इशारा मिला होगा। हमारी लड़ाई क्या BJP से है? हमारी लड़ाई किसी वर्कर से नहीं है, किसी पार्टी के वर्कर से नहीं है। हमारी लड़ाई है कि पूर्णिया का विकास कैसे होगा, हमारी लड़ाई है कि पूर्णिया में बेरोजगारी कैसे दूर होगी, हमारी लड़ाई है कि पूर्णिया के जो नौजवान आज लाखों लाख सीमांचल और कोसी के जो नौजवान आज पलायन कर रहे हैं, उस पलायन को कैसे रोके। तो उनका ये जातीय और धार्मिक आधार पर ये लोग बांटने की कोशिश करें, लेकिन हमारा जो चुनावी एजेंडा है, रोजगार दिया जाए, स्कूल दिए जाए, स्वास्थ्य केंद्र दिए जाए, हमारी ये प्रमुख हमारा एजेंडा है इस चुनाव का। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहा था कि BJP के भी टीम है, तो आज तो वो खुद BJP के लिए वोट मांगते हुए नजर आ गए, तो अंदर खाने क्या तेजस्वी यादव और BJP की सेटिंग हो गई है, जैसा सभी लोग कह रहे हैं? एक बात समझिए कि हम लोगों ने तो कभी खुले मन से नहीं कहा था कि BJP को वोट दीजिए। पप्पू यादव चाहते तो कांग्रेस ने दामन छोड़ दिया था, हमें बुलाया गया था BJP की तरफ से, हम तो नहीं गए, क्योंकि हमने ठान लिया था कि हमें निर्दलीय ही लड़ना है, हमें किसी के खिलाफ जाके नहीं लड़ना है। तो हम लोग तो लगातार अपने जनता के बीच रहे, पूर्णिया के लोगों के बीच रहे, और हम लोग निर्दलीय पूर्णिया की माँ बहन उनकी उम्मीदवारी को लेकर हम लोगों ने निर्दलीय पर्चा भरा। लीजिए, पूर्णिया में BJP हो, RJD हो, ये दोनों मिलकर पप्पू यादव पे ही लगातार हमले बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर बताता है और बौखलाहट है इन लोगों में। ये लोग जान रहे हैं कि जो हमारा कोर वोटर था वो पप्पू यादव के साथ जा चुका है, जो सभी समाज के जो वोटर थे, या ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, तेली हो, बनिया हो, मुसलमान हो, यादव हो, ये किए कि अपनी बहन के प्रचार में एक दिन नहीं गए, अपने जो इनके वर्कर थे इनके प्रचार में एक दिन नहीं गए, और बीमा भारती जो 4 दिन पहले जदयू से आई है और 4 बार हेलीकॉप्टर गिराते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि कितने प्रेशर में तेजस्वी जी जी रहे हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार पूर्णिया में घूम रहे हैं ना, आज भी पूर्णिया में थे, आज भी एक उनका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव मंच से कुछ संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वहां पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नहीं, एक वीडियो नहीं, ऐसे कई वीडियो हैं जहां तेजस्वी यादव जी, एक तो उनकी सभाओं में देखिए कि जब से उन्होंने पप्पू यादव का विरोध करना शुरू किया है, सभाओं में मुश्किल से 300 से 400 लोग पहुंच रहे हैं हेलीकॉप्टर उतरने के बाद, अब इनका हेलीकॉप्टर देखने में लोग नहीं आ रहे, सबसे शर्म की बात तो ये है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव पे जो ये लोग हमले कर रहे हैं, इसका प्रभाव उनकी भीड़ पे पड़ रहा है, उनके लोगों पे पड़ रहा है, और हर लोग आज कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ एक सिंपैथी लेके, पप्पू यादव के सेवा भाव को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए पप्पू यादव जी के साथ जुड़ चुके हैं, और जितना ये हम पे हमला करेंगे हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमको गाली दे जो कहना है करें, पप्पू यादव सेवा भाव के नाम पे जात धर्म हमारी प्राथमिकता रही नहीं, हमारी प्राथमिकता विकास है, रोजगार है, महंगाई कम कैसे करना है, और किस तरह से हमें इन ताकतों से लड़ना है जो आज बेरोजगारी और महंगाई और पलायन के जिम्मेदार है, हमारी लड़ाई वो है, हमारी लड़ाई RJD और भाजपा और इनके वर्करों से नहीं, और इनके
चीजों से नहीं है, ये हमसे लड़ते रहे, हमारी लड़ाई जनता लड़ेगी, पूर्णिया की जनता इनको 26 तारीख को और 4 तारीख को जवाब देगी। नहीं तो क्या लग रहा है मनीष यादव जी, क्या आपको लग रहा है, आप उनकी दो दो बहन चुनावी मैदान में है, अकेले जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन वहां तेजस्वी यादव न पहुंच के पूर्णिया में डेरा डंटा डाल के बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी मुकेश बहन सहनी की जीत बैठे हुए से हैं। ज्यादा, सुनिए सुनिए, उन्हें अपनी बहन की जीत से ज्यादा पप्पू यादव की हार जरूरी लग रही है। उन्हें बिहार के 40 सीटों पे जीत से ज्यादा पप्पू यादव की हार जरूरी लग रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पप्पू यादव जीत गया तो असल नेता तो पप्पू यादव है, जो बाढ़ आए, सुखार आए, कोरोना आए, बड़ी बड़ी बीमारी महामारी आए, पप्पू यादव ही खड़ा होता है, उनके कार्यों से ये लोग डरते हैं। ये कायर लोग हैं, ये लोग खुद घर में बैठकर, जब एसी कमरे से बैठकर एक जनता रिक्शा ठेला चलाने वाले क्या ये लोग हाल चाल नहीं जा सकते हैं, और वहीं पप्पू यादव जो इतना भारी वजन लेकर लोगों के बीच रहता है, इनसे ये लोग डरते हैं और नहीं चाहते हैं कि ये गांव कस्बे सड़क की आवाज सदन में पहुंचे, इसीलिए ये लोग चार चार बार हेलीकॉप्टर उतार चुके हैं। इनकी लाख जितनी भी इनका हेलीकॉप्टर दौड़ा होगा, ये सब नाकाम करेगी पूर्णिया की महान जनता। पप्पू यादव के काम से डरते हैं या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को ये डर सता रहा है कि कहीं पप्पू यादव यादवों का बड़ा नेता ना बन जाए? देखिए, पप्पू यादव यादवों का बड़ा नेता तेजस्वी यादव से पहले है, जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब भी ये लड़ाई पप्पू यादव ही लड़ा करते थे। जब लालू यादव आज बताते हैं कि हमने ये किया वो किया, तो देखिए यादवों की सवाल नहीं है, सवाल यहाँ सेवा का है, जिसको जिसका नेता बनना होगा बनेगा, और नेता यादव का कहने से नहीं होता है, यादवों का काम करने से होता है। हमारे नेता की जितने भी यादव परिवार के साथ अत्याचार हुआ, मुसलमान परिवार के साथ अत्याचार हुआ, लगातार खड़े रहे, हमारे नेता किसी एक जात के नेता नहीं है, हमारे नेता पूरे बिहार और सभी कौमों के और सभी धर्मों के और सभी वर्गों के नेता है। कांग्रेस राहुल गांधी के अगर हम बोले तो भागलपुर पहुंचे हुए थे, वहां पे बीमा भारती को भी ले जाके खड़ा किया गया था कि इससे ये लग सके कि बीमा भारती का प्रचार करने के लिए कांग्रेस आई है, इसका खूब प्रचार भी किया गया राहुल फोटो को, तो इस पे क्या कहेंगे? और आज एक तेजस्वी यादव का जो वीडियो आया है, जब हेलीकॉप्टर में भी तेजस्वी यादव बैठ रहे थे तो पूर्णिया की जनता जो है उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी लगातार, मुट्ठी भर भीड़ था लेकिन फिर भी नारेबाजी पप्पू यादव का हो रहा था, तेजस्वी यादव को वहां से बोला जा रहा था जाने के लिए। देखिए, बीमा भारती के प्रचार में राहुल गांधी आना ही नहीं चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के कोई भी बड़े लीडर आना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में दरकिनार करने की एक पूरी साजिश तेजस्वी जी के द्वारा रची गई, तो वो समझ रहे इस चीजों को, गठबंधन धर्म निभाने के लिए सिर्फ हम कहेंगे कि राहुल गांधी जी ने अपना एक ये योगदान दिया है, नहीं तो हमें नहीं लगता है कि किसी तरह से कांग्रेस आज आरजेडी के साथ खड़ी है इस चुनाव में, आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ठगने का काम किया है, मात्र 4 से 5 सीट वो भी जबरदस्ती दिया इन्होंने कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी कमजोर करने की एक साजिश, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो आज कहीं ना कहीं केंद्र से लड़ रही है उसको भी कमजोर करने की इन्होंने साजिश रची है, तो कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी है, राहुल गांधी जी हमारे साथ है, प्रियंका गांधी जी हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद और प्यार हमारे नेता के साथ है, इसीलिए उन्होंने यहाँ नहीं आया और जबरदस्ती बीमा भारती को भागलपुर में ले जाकर तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के समकक्ष खड़ा कर दिया, लेकिन उसे पूर्णिया की जनता नकार चुकी है, और आप जानिए कि बीमा भारती का हो सके तो जमानत भी यहाँ बचना मुश्किल हो जाए इस बार। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से इस वक्त तेजस्वी यादव रणनीति अपना रहे हैं, ये रणनीति क्या उन पर भारी पड़ रही है, जिस तरीके से उन्होंने बीमा भारती को वहां से खड़ा किया? देखिए, तेजस्वी यादव जी जो भी रणनीति अपना लें, कुछ भी कर लें, जनता से बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं हो सकता है, इस लोकतंत्र के पर्व में जनता मालिक है, और एक बात आप समझिए कि जनता आज हमारे साथ है, और जनता जब आज हमारे साथ है तो कोई नेता और किसी नेता की रणनीति हमें डगमगा नहीं सकती है, हमारे नेता को मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकती है, इसीलिए पूरा पूर्णिया की जनता आपके सवाल का जवाब 26 तारीख को एक वोट से और 4 तारीख को वोट की गिनती से देने का काम करेगी। अच्छा अच्छा मनीष यादव जी, आपका ये बात सुनकर एक सवाल याद आ रहा है, जिस महागठबंधन में आप शामिल होने का दावा करते हैं, कहते हैं कि हम भी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उस महागठबंधन के अगर नेता तेजस्वी यादव ही एनडीए के लिए वोट मांगे, तब आप कौन से दल में जाएंगे, कौन से गठबंधन का हिस्सा बचे आप? आप हमको कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हिस्सा में दावा कर रहे हैं, और जो गठबंधन के सारे धर्म निभा चुके और फिर भी मन से आकर ये कह रहे हैं कि आप
एनडीए को वोट दीजिए तो आप उनसे ना सवाल जाके कीजिएगा। हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं कि चुपचाप चुनाव लड़ रहे और फिर भी करे, टिकट नहीं मिला फिर भी करे कि राहुल गांधी जी हमारे साथ है, कांग्रेस का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम भी कांग्रेस के साथ है। लेकिन जो कांग्रेस के साथ होकर उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, जो लगातार कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं मंचों से, जो कर रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए हमारे कैंडिडेट को नहीं दीजिएगा, तो वैसे लोगों से आप सवाल जाकर कीजिए कि क्या आप धर्म गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव बीजेपी का स्टार प्रचारक के लिस्ट में शामिल हो गए हैं क्या आपके हिसाब से? ये तो आप बेहतर समझते होंगे कि जब मंचों से जब बीजेपी के लिए वोट मांगी जाएगी, मंचों से जब ये कहा जाएगा कि एनडीए के प्रत्याशी को वोट कीजिए, तो वो बीजेपी का स्टार प्रचारक कहलाएगा कि आरएसएस बीजेपी का एजेंट कहलाएगा। ये बिहार और पूर्णिया और देश की मीडिया बखूबी समझ रही है। इसे हमें कहने की कहाँ आवश्यकता है कि कौन बीजेपी का एजेंट है और कौन बीजेपी का एजेंट नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष यादव जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।